ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम त्रिगुणरहितम तत्समस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधी साक्षीहुतम भावातीतम गगन सरसम सद्गुरुम तम नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्याय मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज हम गीता के 8वें अध्याय का 4था श्लोक ले रहे हैं भगवान की कृपा से। इसमें भगवान ने अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ के विषय में अर्जुन के 3 प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ कर दिया है। अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषस्याधिदेवतम अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहव्रताम्बर। अधिभूतम क्षर भाव पुरुष चिदेवतम अधियज्ञ अहम एव अत्र देह देहे देहव्रतम वर। अधिभूत है, अधिभूत का अधिभूतम का मतलब है अधिभूत है। क्षरो भावा का मतलब है उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ। पुरुषा जो हिरण्यगर्भ पुरुष है, जो सूत्रात्मा भी कहलाया जाता है, जो हिरण्यमय पुरुष भी कहलाया जाता है, जो प्रजापति भी कहलाया जाता है, जो ब्रह्मा भी कहलाया जाता है। च मीन्स च का मतलब है और, अधिदेवतम का मतलब है अधिदेव है, अधियज्ञ का मतलब है अधियज्ञ हूं, अहम यानी मैं हूं वासुदेव, एव का मतलब है ही, अत्र का मतलब है इस, देहाभृतम का मतलब है जो देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उसको कहते हैं देहाभृतम। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। हिरण्यमय पुरुष जिसको सूत्र आत्मा कहा है, हिरण्य गर्भ भी कहा है, प्रजापति भी कहा है, ब्रह्मा कहा है, इसके ये नाम है या अधिदेव है। और हे अर्जुन देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में वासुदेव ही मैं अंतर्यामी ही अधियज्ञ हूं। यह तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। भगवान सच्चिदानंद सदगुरु परमात्मा जो अनंत अनंत कोटि आकाश गंगाओं के एकमात्र आधार एवं अधिष्ठान है, वो क्या कहना चाहते हैं इस सूत्र के माध्यम से, ये बात गीता प्रेस गोरखपुर वाले नहीं जान सकते हैं। क्यों? कि उन्होंने जो गीता के अर्थ लिखे हैं वो पांडित्यपूर्ण अर्थ हैं, वो व्याकरण निष्ठ अर्थ है, वो शब्द अर्थ हैं, लेकिन इसका जो गूढ़ अर्थ है वो गीता में, यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा कि गीता के कई भाष्य लिखे गए हैं। कोई भक्त है तो उसने भक्ति की दृष्टि से गीता को देखा है, तो उसने भक्ति के हिसाब से लिखा है। भगवान ज्ञानेश्वर ने योग के हिसाब से लिखा। कोई विद्वान था, डॉक्टर राधाकृष्णन विद्वान थे, उन्होंने विद्वत्ता से गीता लिख दी, विद्वत्ता पूर्ण। कोई कवि था तो उसने दोहों में गीता लिख दी। लेकिन इन सब को पढ़ने से आपका कोई कल्याण हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता?
क्योंकि जब तक यह गीता आपको कोई ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु ना समझाए। और वैसे देखा जाए कि गीता समझाने की आवश्यकता भी नहीं है आपको, वो तो मैं आपके आपको ज्ञान की तरफ धकेलने के लिए गीता का सहारा ले रहा हूं। नहीं तो मैं बोल दूं आपको गीता गीता का भी सहारा ना लूं और ऐसे ही आपको मैं बोलता जाऊं परमात्मा को पाने के लिए और किस प्रकार की साधना करना चाहिए उसके लिए, तो आप कभी देखेंगे तो मेरी जो बात है वो गीता से, रामायण से, उपनिषद से, वेद से, पुराण से, गुरुओं की वाणी से, नानक से, दादू से, सबसे मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी? कि कोई भी ज्ञानी सदगुरु जब बोलता है अंदर में जीवन जी के बोलता है तो सबकी बात लगभग एक सी आती है। कई बार मेरे शिष्य जो विभिन्न गुरुओं के यहां से आए हुए हैं और जिनके गुरुओं का शरीर छूट चुका है, वो मुझसे कहते हैं कि अरे गुरुदेव आप तो जो बोल रहे हो मेरे बाबा भी ऐसे ही बोलते थे, क्यों ना मिलेगी बात। बाबा भी ब्रह्मज्ञानी थे, हम भी ब्रह्मज्ञानी हैं, कबीर से भी हमारी बात मिल जाएगी, रैदास से भी हमारी बात मिल जाएगी, मीरा से भी हमारी बात मिल जाएगी, राम और कृष्ण की वाणियों से हमारी बात मिल जाएगी, रामायण और गीता से मिल जाएगी। लेकिन गीता का सहारा हम इसलिए लेते हैं, आपको लगना चाहिए कि नहीं हाँ गुरु महाराज गीता पर प्रवचन दे रहे हैं और आपका जो मन बड़ा चालाक है वो हमारी बात नहीं सुनेगा लेकिन कृष्ण की बात तो सुनेगा, सुनना पड़ेगी। मेरी बात सीधी एक बार तो तुम कर सकते हो नजरअंदाज के, ठीक है गुरु जी है बता रहे हैं, आज नहीं तो कल कर लेंगे, फिर कर लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन जब गीता को माध्यम बना के मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की तरफ ले जाता हूं, गीता में भगवान जो कहना चाहते हैं जो कोई किसी को नहीं पता क्योंकि सबने अपने अपनी दृष्टि से गीता को परभाष्य लिखे है, पर किसी ने सम्यक रूप से ठीक ठीक भगवान की दृष्टि से कोई नहीं बता रहा है कि भगवान क्या कहना चाहते। तो भगवान यहां कह रहे हैं कि देखो अर्जुन, जैसा कि मैंने तीसरे सूत्र में श्लोक में आपको बताया कि जो जितने भी भूत प्राणी हैं, जितने भी भूत प्राणी हैं, जितने भी पदार्थ हैं, जिस जो सब तुमको नजर आता है, जिसको तुम इंद्रियों से जान लेते हो, वो सब विनाश वाले हैं। पत्थर भी एक दिन चूरा हो जाता है, मिट्टी हो जाता है, मिट्टी पानी से बह जाती है, कीचड़ हो जाती है, नदी में घुल जाती है, यहां से वहां चली जाती है। सृष्टि का जब प्रलय होता है तो पदार्थ समाप्त हो जाता है। परमात्मा जिस तरह से इस पदार्थ का प्रलय करते हैं उस तरह के प्रलय होते हैं, अग्नि प्रलय होता है, सब कुछ पिघल जाता है, जलने लग जाता है, जल प्रलय होता है, सब कुछ पानी में डूब जाता है, पानी में घुल जाता है, वायु प्रलय होता है, सारे पदार्थ वेपोराइज हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इस संसार में, इस जगत में जो नाना प्रकार के जो पदार्थ तुम देखते हो, जो दृश्यादि तुम देखते हो, उनका जिनका की क्षरण होता है, जो डिके होते हैं, डिकम्पोज होते हैं, खत्म होते हैं, जिनका क्षरण होता है, जिनकी उत्पत्ति होती है, वृद्धि होती है, नाश होता है, ये उत्पत्ति वृद्धि नाश गुण वाले मेरे स्वरूप से जो भिन्न है, यह सब कुछ अज्ञान सहित है। ये सारी जो कल्पनाएं हैं, ये जो पंचभूत हैं, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है, ये सब को तू अधिभूत मान ले, जान ले।
देखिए ब्रह्म ज्ञान के लिए तो तीन ही शब्द काफी होते हैं, लेकिन अब जिज्ञासु की जैसी जैसी मान्यता होती है, जिज्ञासु की जैसी जैसी तैयारी होती है, जिज्ञासु की जैसी जैसी मानसिक और हृदय की अवस्था होती है, बुद्धि की अवस्था होती है, सतगुरु को वैसे वैसे उसको समझाना पड़ता है। सतगुरु को एक ही लाठी से सबको नहीं घेर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के उपाय करना पड़ते हैं। घोड़े को चाबुक से, हाथी को अंकुश से, बुद्धिमान को समझाकर, प्रेमी को प्रेम से, परेशान आदमी की परेशानी दूर करके, रोगी का रोग दूर करके, भ्रांत चित्त वाले की भ्रांति ठीक करके गुरु को समझाना पड़ता है, गुरु को मार्ग पर लाना पड़ता है। तो अर्जुन का ये जो प्रश्न है, यद्यपि ये प्रश्न बौद्धिक है, फिर भी भगवान को, तो भगवान का शिष्य अर्जुन, भगवान तो उसको बुद्धि के तल पर भी समझा रहे हैं कि भैया अर्जुन, ये जो जितनी भी चीजें हैं, जो पदार्थ नाना पदार्थ हैं, जिनकी उत्पत्ति होती है, जिनका क्षरण होता है, जो नष्ट होते हैं, ये सब अधिभूत हैं। और मैंने आपसे बोला था कल कि जितने जीवात्मा हैं, उन सारे जीवात्मा का जो मूल कारण है वो अधिभूत है, क्योंकि उस मूल कारण की वजह से, उसके जीव होने की वजह से उसकी जीव दशा का नाश होता ही होता है, जीव दशा का नाश होता है। इसलिए और गहरे में अगर ले जाओ तो ये जितना भी भगवान ने अज्ञान के लक्षण और अज्ञान की के ताने वाने और अज्ञान की कल्पनाएं और जितनी इंद्रिया पंचभूत ये सब बताए हैं, ये अधिष्ठान परमात्मा में भ्रम से दिखते हैं। वास्तव में देखा जाए तो भूत तो है ही नहीं, जीवात्मा तो है ही नहीं, जीवात्मा तो सिर्फ एक भ्रांति है। जब भगवान भ्रांति को भ्रांति से तोड़ते हैं, तुम जीव, तुम मनुष्य, तो भगवान मनुष्य बन के अवतार लेते हैं, हालांकि तुम्हारा होना भी मिथ्या है। और भगवान का आना, जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा पहुंचा हुआ होता है, सिद्ध पुरुष होता है, वो व्यक्ति के सपनों और सुषुप्ति में भी चला जाता है, वहां से भी उसको संभाल लेता है। तो भगवान का आना, भगवान का सद्गुरु के रूप में अवतार लेना, ये जीवों के कल्याण के लिए होता है। अथवा सद्गुरु के रूप में जब भगवान आते हैं, तो वह सद्गुरु का जो आत्मस्वरूप होता है, सद्गुरु का वह तीनों शरीरों से परे होता है, तीनों से शरीरों से परे उसकी अभिव्यक्ति है, मौजूदगी है, उसको अधिदेव कहा है, उसी को सूत्र आत्मा कहा है। क्यों सूत्र आत्मा कहा है? कि वही तो आत्मा का सूत्र है, जो त्रिगुणातीत है, वही तो आत्मा का सूत्र है, वही तो तुम्हें आत्मा का ज्ञान करा सकता है। जैसे तुम सवाल किसी सूत्र से हल करते हो, जैसे तुम ए प्लस बी होल स्क्वायर इजुकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये सूत्र डाल के तुम सवाल हल करते हो, तुम्हारे पास एक सूत्र है कि त्रिभुज के तीनों कोण मिलके दो समकोण 180 डिग्री होते हैं, तुम सवाल हल करते हो, दो कोण बताए, तीसरा कोण निकालो,
ऐसे ही वह आत्मा का सूत्र है, सूत्र आत्मा है, उसी के सूत्र के माध्यम से, उस सद्गुरु के माध्यम से तुम अपने आत्मा को जानते हो, उसको हिरण्यगर्भ कहा गया है। उसका जो गर्भ है वो सोने जैसा गर्भ है, और संसार का जो गर्भ है मल के समान है, विष्ठा है, गंदगी है। और सद्गुरु जब तुम्हें अपने गर्भ में लेता है, सद्गुरु जब तुम्हें अपने अंदर हृदय में जगह देता है, तो सद्गुरु तो मां तो केवल 9 महीने तुम्हें अपने पेट में रखती है, लेकिन सद्गुरु तो तुम्हें 9-9 साल, 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल अपने घर में रखता है। यही बहुत प्यारा सा उदाहरण सुकमुनि देव का है। सुकमुनि देव 16 साल तक अपनी मां के गर्भ रहे में रहे, व्यास जी की पत्नी के गर्भ में रहे। ये बड़ा प्रीतिकर उदाहरण है। ये इसी तरह दर्शाता है कि 16 वर्ष तक कोई जिज्ञासु अपने सदगुरु के साथ उसकी सेवा में रहता है, हो सकता है 16 वर्ष में जाग जाए, हो सकता है 17 वर्ष में जाग जाए, हो सकता है 1 वर्ष में जाग जाए, हो सकता है 6 महीने में जाग जाए, हो सकता है 2 साल में जाग जाए। इसलिए यहां पर सदगुरु को हिरण्य गर्भ कहा है, सदगुरु को हिरण्य गर्भ कहा है। और सदगुरु को प्रजापति इसलिए कहा गया है कि जो जिज्ञासु होते हैं, जो शिष्य होते हैं, जो प्रेमी होते हैं, सदगुरु के जो मित्र होते हैं, सदगुरु के जो हितैषी होते हैं, वो सदगुरु की प्रजा होती है। सदगुरु एक अलौकिक राजा है, एक डिवाइन किंग है, तुम उसकी प्रजा हो। सदगुरु अपनी प्रजा का पालन करता है, सदगुरु तुम्हारा हर तरह से ध्यान रखता है, तन से, मन से, धन से, जीवन से, प्रेम से, ज्ञान से, भाव से। तुम उदास होते हो तो सद्गुरु तुम्हें, तुम्हारी उदासी को प्रसन्नता में बदलने का प्रयास करता है। सद्गुरु तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। वो इतना बड़ा प्रजापति है, मुझे एक गीत की एक लाइन याद आती है, बहुत प्यारी है। उस गीत में ऐसा कहा गया है, तू जहां जहां रहेगा मेरा साया साथ होगा। तुम जहां भी चले जाओ सदगुरु तुम्हारे साथ है। मेरा तो जो भी कदम है वो गुरु की राह में है। मैं कहीं भी रहूं ऐ मेरे सदगुरु, तेरी निगाह में, तेरी पनाह में। तो सदगुरु को हिरण्यगर्भ इसलिए कहा गया है, सदगुरु को प्रजापति इसलिए कहा गया है, सतगुरु को ब्रह्मा इसलिए कहा गया है, क्योंकि वह ब्रह्म ज्ञान को तुम्हें उपलब्ध कराता है, ब्रह्म ज्ञान में तुम्हें खड़ा करता है। उसके कारण तुम्हारे अंदर ब्रह्म आता है, ब्रह्मा आता है। कितनी प्यारी आवाज है गौ माता की। तुमने कभी गौ माता को आवाज करते देखा होगा, तुमने कभी बछड़ों को और छोटे छोटे बच्चों को, गाय के छोनों को आवाज करते होगा देखा होगा। वो बोलते अम्मा अम्मा, ऐसा लगता है जिससे बोल रहे हैं ब्रह्मा ब्रह्मा ब्रह्मा। इसलिए सतगुरु के जितने भी नाम हैं, सतगुरु आपका अधिदेव है, सतगुरु आपका परमात्मा है, सतगुरु आपका परम देवता है। क्यों? कि सतगुरु आपका सृजन भी करता है, आपके अंदर ज्ञान का जागरण भी करता है,
और अगर उसको लगता है कि आपको प्रेम की आवश्यकता है तो आपके हृदय को अपने प्रेम से भी भर देता है। आपको लगता है उसको कि आपको समझ की आवश्यकता है तो अपनी समझ आप में भी उड़ेल देता है। उसको लगता है कि आपके आंखों में आंसू हैं, उनको पोंछने की जरूरत है, सदगुरु आपकी आंखों में आने वाले आंसुओं को पोंछता है, आपको दिल से लगाता है, आपको बड़े प्रेम से परमात्मा की ओर ले जाता है। इसलिए सदगुरु जो है वो ही सही दृष्टि से अधिदेव है। भगवान कहते हैं कि हे जीवधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, यहां भगवान ने ऐसा क्यों कहा? भगवान ने क्यों कहा कि जीवधारियों में सबसे श्रेष्ठ है? अरे जीना, ऐसा कोई जीना किसी काम का है कि बस खाए पिए, उठे बैठे, नहाए धोए, खेले कूदे और मर गए? अरे जीना तो उसका जीना है भाई जो परमात्मा के आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत होता हो, उसका जीना है। तो चूंकि अर्जुन परमात्मा को पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठा है, जो भी व्यक्ति किसी भी सदगुरु ब्रह्मवेत्ता के चरणों में आके बैठता है वो जीवधारियों में श्रेष्ठ हो जाता है, उसके जैसा कोई जीवधारी नहीं होता। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं वासुदेव जो सब में निवास करता हूं, मैं वह देव हूं जो सब में निवास करता हूं। एक तो सदगुरु अधिदेव हो गया, सदगुरु अधिदेव है क्योंकि वो तुम्हें ज्ञान कराएंगे, लेकिन जो वासुदेव है जो सब में निवास करते हैं, सदगुरु आपको ऊर्जा नहीं दे सकते हैं, लेकिन वो वासुदेव, वो भगवान, इनकी मौजूदगी, उनके एग्जिस्टेंस के कारण, उनके होने के कारण तुमको ऊर्जा मिलती है, तुमको जीवन शक्ति मिलती है, तुम जीवित रहते हो, तुम सब कार्यों को कर सकते हो। इसलिए जो भगवान में रहकर जीवन जीता है तब वह अधियज्ञ है। तो भगवान कहते हैं कि मैं ही अधियज्ञ हूं, मैं वासुदेव चूंकि सब में रहता हूं इसलिए मैं ही अधियज्ञ हूं अर्जुन, मैं ही अधियज्ञ। इसलिए इस बात को, इस श्लोक को ठीक से यदि आपको समझना है तो आप समझ लीजिए, इस जगत में जितने भी नाना प्रकार के पदार्थ हैं, जिन जिनका क्षरण होता है, उत्पत्ति वृद्धि नाश वाले जो पदार्थ हैं, वह सारे जो कल्पनाओं से भी आप उत्पन्न करते हो और आपके स्वप्न इत्यादि के अनुसार वो मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि हैं, ये सब ये भ्रम है और ये भूत वास्तव में जो नहीं होते लेकिन भासते हैं, ये सारे जो हैं ये अधिभूत हैं। और जो भगवान सदगुरु के रूप में अवतार लेते हैं और सदगुरु का जो आत्म स्वरूप है, जो तीनों शरीरों से परे है, जो उसकी अभिव्यक्ति है, वह अधिदेव है, उसी को हिरण्यगर्भ कहा है, वही सूत्रात्मा है। आत्मा को जानने का सूत्र तो सदगुरु से मिलता ही है और किसी से नहीं मिल सकता। इसलिए प्यारे बच्चों, वह अपने, मैंने बताया कि वह अपने गर्भ में जिज्ञासु को एक बार जन्म देता है तो द्विज बना देता है वो, इसलिए वो हिरण्यगर्भ है, वही सच्चा निर्माता है, वही सबका ज्ञाता है, वही सबको जानने वाला है, वही सबको जगाने वाला है, इसलिए वह ब्रह्मा है और वह ज्ञान का प्रकटीकरण करता है और व्यक्ति को जीवन मुक्त अवस्था में खड़ा करता है। तो इस मनुष्य की देह पाकर भी जो अगर परमात्मा को पाने के लिए जिज्ञासा जिसमें नहीं है, जो जिज्ञासु नहीं है, वह निकृष्ट है, लेकिन जो जिज्ञासु है वो देहधारियों में श्रेष्ठ है। सभी शरीरों में आत्मा स्वरूप अनंत है, अनादि है, अनश्वर है, ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा है। यही आत्मा स्वरूप जो अनश्वर है, अनादि है, ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा है,
जब कोई इसमें जागकर कोई कार्य करता है, उसके सारे जो कार्य हैं, वो यज्ञ के समान पवित्र और पावन हो जाते हैं। इसलिए आत्मा को ही अधियज्ञ कहा है भगवान ने, क्योंकि आत्मा में जागने वाला, आत्मा को जानने वाला, आत्मा के निमित्त आत्मा को जानने के लिए जो पुण्य कार्य करता है, जो तपस्या रूपी ध्यान करता है, वह अधियज्ञ है, वह वासुदेव ही अधियज्ञ हैं। इसलिए इस सूत्र को फिर दोहराते हुए इसकी पूरी व्याख्या संक्षिप्त में हमने आपको बताई। अधिभूतम क्षरो भावा पुरुषाश्चाधि देवतम अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देह मृतावरा। प्यारे मित्रों, इस सूत्र की व्याख्या, ये वीडियो यूट्यूब पर डाला जाता है, इसको आप सब्सक्राइब कर लें, ऐसा मेरा निवेदन है, और स्वयं भी सुने और अपने मित्रों को भी सुनाएं और इनका प्रचार प्रसार करें, ताकि परमात्मा के प्यासे और प्यारे जिज्ञासु हैं यहाँ वहाँ जो भटक रहे हैं, उनको यह ध्यान का मार्ग आसानी से उपलब्ध हो, यही मेरे आपसे निवेदन है। शिवम।